वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए नए बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था आज की मार्केट में, तो ये फिर निफ्टी का चार्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी 5 मिनट में। देखिए पंद्रह मिनट पे चार्ट पे कर लेते हैं, इसको समझाते हैं। देखिए पहला टारगेट हमारा ऐसे हिट हुआ, ठीक कोई बात नहीं। फर्स्ट टारगेट में हमने कॉल्स ऑप्शन शॉर्ट कर रखी थी, उसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें सेकेंड बार में ऐसे हिट हुआ, ठीक है। और हमने मार्केट में वेट किया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ये जैसे ही लेवल ब्रेकआउट किया तो हमने पुट साइड की एंट्री बनाई। बहुत अच्छा मूवमेंट आया इसमें, मतलब क्या बोलूँ, ये मतलब इसका प्रीमियम बहुत तेजी से भाग रहा था। 44,100 की पुट मैंने शॉर्ट कर रखी थी, बहुत अच्छा मूवमेंट आई थी इसमें। और फिर निफ्टी ने तो आज का मेरा मूड ही बदल दिया, मतलब सब ये वीक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है मेरा फिर निफ्टी में। और बहुत अच्छा कैपिटल आप सोच रहे हो, मैं एक दो लॉस से काम करता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ तो मार्केट को मैं ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकूँ, ठीक है। इतना बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे, मैं इधर वेट करा, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर ली। आपको मार्केट पैसा देगा इस चीज़ का नहीं, जो आपको पेशेंस होगा तो मार्केट इस बात का पैसा देगा। आपके पास कितना पेशेंस है और कितना आपका तरीका है, आपको क्या अपने इमोशन कितना कंट्रोल कर सकते हो आप, मार्केट इस बार का पैसा देगा। अब यहाँ पे मार्केट आप कल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाए और इसी जोन में ओपन होकर 10-15 मिनट टाइम बिताएं, तब ब्रेकआउट करें आप साइड या डाउन साइड का, तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है ऊपर भी नीचे भी। तो मार्केट को कल आपको टाइम बिताना देना चाहिए, तो मार्केट ट्रैप करने का बहुत चांसेस है क्योंकि आज मूवमेंट हो चुकी है। कल वेडनेसडे है तो बहुत आराम से ट्रेड करना, क्योंकि परसों एक्सपायर है बैंक निफ्टी के, बहुत प्रीमियम दिखे होगा तो आप संभाल के ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट एक देखिए 10 लाइन के ऊपर है। मैं आपको समझाता हूँ डेली चार्ट पे। देखिए यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, 44,804 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है गिरावट के साइड में। आपको 44,600 के टारगेट दिखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और दिमाग रखना पड़ेगा हमारा मार्केट कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं। ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा एक दिन पहले रात को, एनालिसिस करके कहाँ से ट्रेड लूँ, कैसे लूँ, कैसे क्या। एक बात और मेरे साथ हुई थी बीच में, मैं ट्रेड लेता था रात को, सपने में चलता था आज प्रॉफिट कल प्रॉफिट बनाना है, परसों प्रॉफिट बनाना है। ये चीज़ आपका दिमाग वो ख़राब कर देगा, दिमाग ख़राब करने के बाद आपके पैसे डूबना शुरू हो जाएंगे। तो डूबने का मतलब आपके अंदर पैसे कमाने की वो हो जाएगी, इच्छा जग जाएगी, अब मैं इससे करोड़ रुपये निकाल सकता हूँ। एक लोट की जगह आप 5 लोट में काम करोगे तो आपका पूरे एक हफ्ते का कैपिटल आपके एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये इमोशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब मैं फिर इसको बताता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए ये टारगेट, अब इसके बाद ये सपोर्ट जोन है 43,880 का, ये ब्रेकआउट मॉर्निंग में कर देगा टाइम बिता के, तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है इस मार्केट इसमें। और बैंक फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं, फिर निफ्टी की रेजिस्टेंस लेवल है 19,520 का, ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है फिर निफ्टी को। आप ट्रेड कर सकते हो 19,400 की पुट, बहुत अच्छी मूवमेंट करेगी, जो ट्रेड कर ली होगी 80 रुपये में, बहुत अच्छी मूवमेंट करेगी आप। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और क्या इच्छा रखनी पड़ेगी आपको, ऊपर ये सबके ऊपर है, आपके पेशेंस रखना होगा। तो बैंक निफ्टी में यहीं पे यही मार्केट में किसी का आता है आपको कितना पेशेंस है और कितना पैसा कमा सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अब मेरी वीडियो एनालिसिस की कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।